नीतीश कुमार जी खास करके उनका राजनीतिक जो होता है वो आज की तारीख में लोगों के नजरों में उनका वैल्यू गिर चुका है, उनकी विश्वसनीयता गिर चुका है और वो निकल के गए प्रधानमंत्री बनने के लिए। और अंदर खाने से बात आ रही है आरजेडी के यहाँ से कि लालू जी के साथ इनकी यही बात हुई कि 2023 में 23-24 का बजट होगा, वो 23-24 के बजट को पेश करके हम छोड़ देंगे और प्रधानमंत्री के लिए निकलेंगे। बोल तो दिया लेकिन उनका नशा फाड़ दिया केसीआर बिहार आकर के, कि बिहार में वो सोच रहे थे कि केसीआर उनके लिए आ रहा है कि उनका नाम घोषित करेगा, ये सोच रहे थे केसीआर इनके नाम को प्रस्तावित करेगा। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैंने देखा वो दृश्य आप लोगों ने जो देखा वो लग रहा था कि दोनों एक केसीआर उनके जैकेट को खींच रहा है। तो नीतीश कुमार का नाम आज कोई नहीं ले रहा है। अब वो सोच रहे हैं, उनके पार्टी की ओर से बयान आया कि 2025 में देखा जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, विधायक तय करेगा। वो तो तय इन्होंने कर लिया, सौदेबाजी तय नहीं सौदेबाजी, कि मैं आपके साथ मिलकर के चुनाव लड़ूंगा और देश में मैं घूमूंगा। नीतीश कुमार की ये अंतिम राजनीतिक यात्रा होगी, राजनीतिक यात्रा नहीं होगी, जैसे बुढ़ापे में लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, अब ये तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले हैं। तेजस्वी को अगर नहीं सौंपे तो तेजस्वी इनको रातों रात गद्दी पलट कर देगा। मैं इतना ही कहूँगा, बेगूसराय ऐसे तो पूरे बिहार की जो स्थिति है उस पर मैं बेगूसराय के सांसद होने के नाते दहशत का वातावरण खत्म हो गया है। अपराधी मैं देख रहा हूँ, एक दर्जन मुख्यमंत्री के आने के पहले केवल 16 तारीख को केवल अपराध नहीं हुआ है, पहले किसी जिले में कोई DIG आ जाता था इंस्पेक्शन के लिए, IG आता था तो ये हड़कंप रहता था। यहाँ मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आने के पहले आने के बाद अपराध का सिलसिला चालू है, यानी कहीं न कहीं शासन का भय समाप्त हो गया। सर एक सवाल, पिछली 12-13 दिनों के बाद आपका आगमन पहली बार हुआ है, आप आए ये बहुत ही मैं ऑपरेशन कराया था पैर का, लेकिन सवाल है कि सिर्फ आज पूछने के का क्या मतलब है? बताइए ना, आप ही रास्ता बताइए। नहीं, लोग तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे पप्पू यादव आए, जैसे और लोग आए, ये कह रहे हैं कि ये तो गठजोड़ है, सत्ता का गठजोड़ है, सत्ता का सांसद का गठजोड़ है, विधायक का गठजोड़ है, थाना अध्यक्ष का गठजोड़ है और राज्यों के क्या नेक्सस है? गिरिराज क्या कर रहे हैं? गिरिराज को बताइए ना कि गिरिराज क्या कर सकता है। अगर गिरिराज को लगता हो किसी, आप तो सांसद है बेगूसराय के हेड है, तो आपने क्या प्लान किया है? प्लान बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा प्लान तो होगा कि जो यहाँ का DIG होगा, SP होगा, उसी से ना बात करेंगे, DM से बात करेंगे। आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। नहीं तो क्या लॉ एंड ऑर्डर कैसे हो? आप ठीक है आज विपक्ष में, लेकिन कल तो आप पक्ष में थे, कल आप दोनों की सरकार थी, आज आप क्या कर रहे? पीछे की बात, आज की घटना पर बात की है, आज की घटना पर है कि मैं SP से बात किया हूँ। आइए अध्यक्ष जी, आइए अध्यक्ष जी,
और सामने अपराधी बेखौफ क्यों है जिस जिले में मुख्यमंत्री का समाधान यात्रा के लिए हो। 16 को एक हफ्ता पहले हत्या, एक दिन हत्या, 15 को भी हत्या, बछवाड़ा 17 को भी, एक केवल 16 को, केवल 16 पर, नहीं तो ये इतने केवल इस महीने का। मैं क्या थाना को क्या दोष दूं, मैं तो कह रहा हूं अपराध ऐसा हो गया है तो समझ में नहीं आता है। आज से एक डेढ़ महीना पहले, दो महीना पहले सारे बेगूसराय के व्यवसायी संघ जाकर के कलेक्टर को चाबी सुपुर्द करने कि अब हम यहाँ व्यवसाय नहीं करें, और मेरे परिवार के लोग से प्रशासन कहे कि कुछ बताइए क्या बताएंगे। और करें से यहीं पे हुआ, सीसीटीवी कैमरा होगा उसमें भी कुछ आया होगा, फुटेज के आधार पर ही चल रहा है सर, फुटेज कीजिए। वो मास्क लगाया हुआ है इतना तो उसका। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।